जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था, जनवरी और फरवरी मंथ के मैंने आपके साथ दिवस डिस्कस किए थे, और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मार्च और अप्रैल। ये हमारी इसी तरीके से स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। अगर आपने नहीं देखी है और भी क्लासेस तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे मैं आपको याद करा दूंगा इसी वीडियो में, सारे आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहले है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं हम 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कई बार पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और दिवस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनको सीक्वेंस में लिखिए सभी को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हम कब मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। सारे सीक्वेंस बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया कौन सा किस मंथ में मनाते हैं। आज क्लियर हो जाएंगे अच्छे से इसी वीडियो में, ठीक है। शहीद दिवस, शहीद दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस, इसको टीबी दिवस भी बोल देते हैं, तो ये मनाते हैं कब भैया, 24 मार्च को मनाते हैं। और उसके बाद लास्ट है बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस, 26 मार्च को मनाते हैं। अब बोलेंगे भैया बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस से हमें क्या लेना, भैया क्वेश्चन पूछा गया है, सारे जितने भी डेज मैं करा रहा हूँ सारे महत्वपूर्ण डेज है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, शहीद दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च, ठीक है। चलो इनको लिखते हैं, इनके बाद फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूंगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, ये अप्रैल के दिवस चल रहे हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं, 14 अप्रैल को मनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे गए, सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये नहीं है कि भाई मैं आपको सारे करा रहा हूँ, ठीक है। चलो विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाते हैं भैया 17 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 17 अप्रैल को। उसके बाद क्या है, विश्व विरासत सूची दिवस, विश्व विरासत सूची दिवस इसको मनाते हैं भैया 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को। विश्व विरासत सूची दिवस कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व हीमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। तो सारे याद हुए या नहीं हुए, चलो एक बार फिर से इनको याद रफ करके फिर से याद कराता हूँ, फिर से लिखेंगे। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में सीक्वेंस वाइज याद करेंगे, सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। चलो पहला मैंने आपको बताया था कि विश्व वन्य जीव दिवस हम कब मनाते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। कब मनाते हैं भैया, 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। शहीद दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस 24 मार्च को। और बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को। सारे याद हो गए नहीं हो गए, मतलब इनको 2-3 बार ऐसे ही लिखेंगे ना आपको सारे याद हो जाएंगे, आप इनको कभी भूलेंगे नहीं। आप ऐसे ही मेरे साथ लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैंने भी इनको ऐसे याद किया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 7 × 2 = 14 हो गया, 14 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफिलिया दिवस कब मनाते हैं, 17 अप्रैल। और इसके बाद है विश्व विरासत सूची दिवस, ये 18 अप्रैल है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है, बहुत स्टार इसको कर लीजिए, विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व जल संरक्षण दिवस, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 22 मार्च और 22 अप्रैल में आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं भैया, 25 अप्रैल को मनाते हैं। हुए या नहीं हुए याद, एक बार और बताऊं, चलो एक बार और बता देता हूं, आपको याद हो जाएंगे परमानेंटली, ठीक है। चलो विश्व वन्य जीव दिवस कब बताया मैंने आपको, 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बताया था, 15 मार्च। कब बताया था, 15 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस जिसको टीबी दिवस आप बोलते हैं, तो ये मनाते हैं 24 मार्च को। स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश का कब है, 26 मार्च। 26 मार्च 1971 को क्या है, पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश हुआ था, तो इसी वजह से 26 जनवरी को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक बार फिर से इनको लिख देता हूं, ऐसे ही आप अपनी कॉपी में बार बार लिख के इनको याद करेंगे, आप कभी लाइफ में भूलने वाले हैं नहीं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं भैया, 7 अप्रैल। विश्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व हीमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल।
विश्व विरासत सूची दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। जी हाँ, मार्च और अप्रैल, जनवरी फरवरी के चारों के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इससे पहली वाली वीडियो में जनवरी फरवरी के याद कराए थे, तो ऐसे ही स्टैटिक जीके की मैं क्लासेस लाता रहूंगा आपके लिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है, अच्छे से आप बार बार रिवीजन करेंगे, लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब वीडियो कैसी लगी जरूर बताना दोस्तों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद दोस्तों।